हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आपको पता ही है, ब्लॉग जो है वो लगभग 8 से 10 दिन बाद आ रहा है और मैं भी बस अभी नहा धो के जो वो निकलने के लिए रेडी हूँ। एक्चुअली निकलना तो आज का प्लान हमारा कहीं घूमने का ही था, कहीं थोड़ा बाहर जाना था हमने घूमने के लिए। ज़्यादा तो कहाँ जाना था, लेकिन धर्मशाला में यहाँ वहाँ। एक्चुअली यार मैं खुद ही बता देता हूँ, आज मेरा बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू मी। और वैसे प्लानिंग थी हमारी शाम की, सुधा भी बोल रही थी कि जाएंगे आज घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन सुबह तक जो था मौसम, वैसे तो अभी सुबह ही है, लेकिन इससे पहले थोड़ी देर पहले जो घंटा भर पहले मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन अभी आप पीछे भाई देख ही सकते हो मेरे की हालत कैसी होगी। मतलब यार इतनी ख़राब है अभी कि मतलब हमने प्लान जो है वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया। वो इसलिए क्योंकि यार पीछे भी 14 को हम घूमने गए हुए थे, थोड़ा काम भी था हमें, वो ब्लॉग भी मैंने आधा शूट किया था, वो आधे का आधा ही रह गया, उसके बाद हमने कंटिन्यू किया ही नहीं। मतलब यार 14 को बारिश थी, 15 को तो दिन भर ही बारिश थी, 14 को जब हम घूमने के लिए गए हुए थे धर्मशाला में, हमने काम वगैरह किया तो हम धर्मशाला में ने यार उस दिन 12 बजे बारिश शुरू 12:30 बजे की बारिश शुरू हो गई थी, तो 12 बजे के फंसे हुए थे, 12:30 बजे के हम वहाँ पे खड़े 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 यार दुकान में, मतलब करे तो करे क्या, इतनी बारिश थी, ऊपर से बाइक थी यार, बाइक में भी अगर आपके साथ साथ में बच्चा भी हो तो मुश्किल हो जाती है यार बाइक में आना। तो उस दिन बुरे हाल से फंसे हुए थे, बारिश भी ज़ोर से लग रही थी, तो लास्ट में ऐसा हुआ 2-3 घंटे वेट किया हमने तो बारिश तो हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद मैंने सुधा को बोला यार तू ऋत्विक को लेके बस में निकल जा, मैं बाइक में आ जाऊँगा जब भी बारिश कम हो जाएगी, तो उसको यार कैसे ना कैसे करके उसको बस में भेज दिया। बस आई थी, मतलब नड्डी के लिए बस आती तो उसको बस में भेज दिया मैंने, उसको बोला मैं आ जाऊंगा शाम को जब भी बारिश होगी। तो वो तो खैर पहुंच गई थी टाइम से, मतलब बारिश नहीं पड़ी थी उनके ऊपर तो बच गई वो, लेकिन यार मैं तो ना रुक रुक के थोड़ा धर्मशाला में रुका, थोड़ी सी मतलब 10 मिनट के लिए बारिश रुकी, 5 मिनट के लिए शायद बारिश रुकी थी, मैं फिर निकला धर्मशाला से वहाँ से, तो मतलब काले पुल तक पहुँचते पहुँचते फिर से मतलब यार इतनी बारिश लग गई ना, ऊपर से मेरे को यार जब मैं बाइक पर होता हूँ मेरे को बारिश में चलना मतलब बिल्कुल भी यार ठीक नहीं लगता है। तो मतलब मैंने फिर काले पुल में रुक के मतलब लगभग कोई 2 से 2.5 घंटे और वेट किया मतलब वहाँ पे, तो शाम को मतलब यार घर में मैं पता कितने बजे पहुँचा उस दिन, शाम को उस दिन के घर में तो पहुँचे नहीं हम, नड्डी में ही रुकना पड़ा हमें, इतनी बारिश थी खतरनाक ज़्यादा बारिश थी, तो उस दिन हम नड्डी में ही रुक गए। मैं भी उस दिन 6:30 बजे पहुँचा था लगभग घर में, तो अभी प्लान था आज हमारा जाने का, लेकिन यार बारिश के चलते हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, क्योंकि हमें पता यार हम फंस जाते हैं तो आज कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है। बाकी देखते हैं, सेलिब्रेट करने का भी प्रोग्राम जो वो ऐसा कुछ है नहीं, हनी को मैंने बोला था कि मेरा बर्थडे नहीं, वो तो बोल रहा है कि मेरा ही बर्थडे है, पप्पू जी मेरा ही बर्थडे, बाकी देखते हैं अगर बना शाम को केक वगैरह लाने का प्रोग्राम तो देख लेंगे, वैसे अभी प्रोग्राम करने का ऐसा कोई भी मतलब है नहीं, मतलब मूड नहीं है कुछ भी, बाकी देखते हैं। अभी तो मैं जा ही रहा हूँ, निकल रहा हूँ घर से, बाकी आपको पता है यार अब मैं जैसे निकल जाऊंगा यहाँ से, तो ऐसा होता कभी कभार कि मैं ब्लॉग जो वो इसके बाद जो वो सीधा ही कई बार शाम को ही शूट करता हूँ, बाकी देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी आज जो है वो लोग लगभग निकल गए और कल जो है वो लोग मतलब जहाँ भी जा रहे घूमने के लिए वहाँ पे मतलब स्नान करने का जो दिन है वो है कल, मतलब यानी कि अगले दिन, और आज जो लोग लगभग निकल ही चुके हैं, कई लोग तो मणिमहेश के लिए तो लोग कब से जा ही रहे हैं, और आज जो लोग नागडल के लिए निकलेंगे और निकल ही चुके होंगे लगभग लोग, क्योंकि कई बार सुबह भी निकल जाते, कोई लोग दिन में निकलते, और लमडल के लिए भी जो लोग निकल जाते हैं निकल गए होंगे अभी तक। और मेरे घर से आपको पता है पहाड़ जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखते हैं, यहाँ पे अभी तो बिल्कुल धुंध पड़ी हुई है, बारिश भी लगी गई है लगभग थोड़ी थोड़ी, अगर मौसम साफ होता तो मैं यहाँ से दिखाता कि कहाँ से लोग जो वो पहाड़ों से होके दूसरी साइड जो वो जाते हैं, यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखता है जो लमडल के लिए रास्ता जाता है, तो लोग लमडल के लिए भी निकल चुके हैं, कल जब वो स्नान करेंगे वहाँ पर जाके, तो मैं हम तो इस बार यार कहीं भी प्रोग्राम जो हमारा जाने का नहीं है। और दोस्तों सुबह मैं बोल ही रहा था वीडियो में कि आज कोई प्लान नहीं है सेलिब्रेट करने का, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही यार सच में यार मुझे ना बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल गया है, जिसे कि अभी प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं अपने गुरुजी यानी कि दिनेश सर जी और ज्योति, तो इन्होंने मतलब बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया, मतलब मैं खुद सरप्राइज़ हो गया सच में यार। आज तो कोई प्रोग्राम नहीं था ऐसा सेलिब्रेट करने का, लेकिन ऑफिस में सच में बहुत बड़ा ऐसा सरप्राइज़ मिल गया मेरे को, मतलब आते ही।
और क्या फोटो अच्छा है इस साइड से ना तो फिर वीडियो को नहीं बनानी है एक कुछ ज्यादा नहीं हुई है जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है उनके लिए अंकुश वाला ऐसा करना पोस्टमार्टम कुछ नहीं है दोस्तों केक वगैरह तो काट दिया था हमने ऑफिस में ही, अभी थोड़ा सा हम बाहर आए हैं, अभी दिनेश सर यहाँ पे गाड़ी लगा रहे हैं और अभी हम लंच करने के लिए एक्चुअली आए हैं नड्डी में इवांस कैफ़े जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा लंच करने के लिए आए हुए हैं और ये है कैफ़े के अंदर का व्यू, थोड़ा बहुत इस साइड व्यू तो काफ़ी अच्छा है और अभी सभी बैठे हुए हैं, कुछ ऑर्डर जो है वो आ चुका है जैसे कि ये कैपचिनो वगैरह जो हमने कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर की थी, तो सब अभी अपने अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं और सब जो फ़ोन में व्यस्त हैं। रुको जा लगाना है अभी, बर्थडे किसका है? हनी का। केक कौन काट रहा है? हा? ये केक कौन काटेगा? हनी। ये केक किसका है? दाने भी है। कहाँ है? ये तो है, ये है। अच्छा ये कहाँ लगाना है? कैंडल। कहाँ लगाए? लाने इसके अंदर। किसके ऊपर? इसके ऊपर। कौन लगाएगा? हनी।
पर आज मेरे पापे का भी है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kon? Happy birthday to you. रुक चाहिए बेटे उसके बाद काट कर दी। काट दो। खड़ा हो जा। मैं ऋत्विक को सरप्राइज लाया हूँ। आपको चाहिए सरप्राइज? जी। खोलो, इधर इधर रख, टेबल के टेबल पे रख के खोल, इधर रख के खोल। इसकी खोल खोल खोल, मम्मा को बोलो खोलो। नहीं, खोलो 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 खोलो। क्या था? ये तो फूल गया है क्या? ये कौन सा सरप्राइज है? ये तो खराब ही हो गया है। कि है क्या ये? कौन सा सरप्राइज मिला है? तो कौन सा सरप्राइज लाए पापा? ड्यूटी में। ड्यूटी में। कौन? ये क्या लाए हो ये? ये क्या खिलौना है? क्या खिलौना है? सो फाइनली दोस्तों, अभी टाइम बज रहे हैं रात के 10। हाँ, अभी हनी को के हनी को अभी केक दे था, फिर ने काटा था वो। तो कौन लाया था केक आपके लिए? पापा जी। सरप्राइज कौन लाया था? वो निकला था एक प्राइज। आज बर्थडे किसका था? हनिका। पापा जी का था? हनिका। अच्छा, पापा का हनिका। एक ही बात है, पापा का हनिका। पापा को हैप्पी बर्थडे बोलो। पापा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो स्पेशली थैंक यू उन लोगों को, जिन लोगों ने विश किया और जिन लोगों ने बर्थडे को स्पेशल बनाया, उनके लिए भी थैंक यू। जिन्होंने विश नहीं किया और जिनको पता था भाई लोगों यार, ओके। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। तो मैडम को कब पता था कि बर्थडे था आज? मुझे पता ही है। कब से? कितने सालों से? कब से पता? अच्छा, कितने सालों से? विश कहाँ की थी? तो सुबह नहीं की। अच्छा ठीक है यार, सबसे पहले तो मैं इसको बता देता हूँ, है ना, स्क्रीन पे जो फोटो वाली वीडियो लगाई थी यार, जो फोटो मुझे पसंद नहीं, सबसे पहले वही वीडियो लगाया था इसने, वही फोटो लगाई हुई थी, है ना, जो फोटो मैं इसको चलो बढ़िया था। थैंक यू। सच में ये मेरा फर्स्ट बर्थडे था जब मैंने, मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने घर से बाहर केक कभी काटा हो, और ये वो हम लंच करने वगैरह के लिए गए हों या ऐसे वैसे, है ना, क्योंकि इससे पहले तो कभी नहीं हमने घर में केक काटा। वैसे तो अभी पिछले साल तो शायद मैंने काटा भी नहीं था, नहीं काटा था ना पिछले साल तो बर्थडे काटा हमने, पिज्जा वगैरह नहीं खाया, वहाँ पे गए थे मॉल में, केक नहीं काटा, केक अच्छा हाँ काटा था, काटा था, हाँ हाँ। तो मतलब घर नहीं लाए थे। अब तो यार बुढ़ापे में पैर रख दिया ऐसे लगता है ना, अब तो बाल वगैरह भी सफेद होने लग पड़े हैं, क्या बोलती है? बाल तो कब से सफेद है? तो क्या केक, जब ये नहीं हुआ था तब से। एक्चुअली यार मेरा आज वैसे कोई प्लान नहीं था, कहीं जाने का भी प्लान नहीं था, सुबह भी कोई जाने वगैरह का प्लान नहीं था, इसीलिए मैं ऑफिस भी चला गया हुआ था, कोई प्लान नहीं था ना आज कहीं भी जाने का। बारिश लग पड़ती है तो प्लान नहीं। वैसे प्लान बन भी सकता था हमारा सुबह, पर ये था कि बारिश को देखते हुए मैंने नहीं बनाया प्लान, क्योंकि हमें पता यार पिछले मतलब दो दिन हमारे ऐसे गए हैं ना, 14 और 15 तारीख है ना, 14 तारीख को हम इतना फंसे थे ना बारिश में, संडे को, हाँ संडे को, संडे नहीं था उस दिन, संडे तो उस दिन हम इतना फंसे बारिश में कि मतलब पूरा यार मूड ही खराब हो गया। हमने सोचा जाया नहीं करना यार बरसात में घूमने, कहीं भी शाम को पहुंचे पर किया कुछ नहीं, मार्केट में किया कुछ नहीं, बस खड़े रहे हैं 3-4-5 घंटे, मतलब आप तो 2-3-4 घंटे खड़े, मैं तो आगे, मैंने तो 6-7 घंटे लगा दिए होंगे यार मार्केट में खड़े 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 खड़े, है ना। तो इसीलिए जो आज का प्लान था हमने डिसाइड नहीं किया। वैसे शाम को हम कर रहे थे प्लानिंग की जाएंगे जाएंगे कहीं, वैसे था सुबह तक प्लान था कि शायद कहीं जाएं, मेरा मन कर रहा था छुट्टी करूं नहीं करूं, पर वैसे जब मैं उठा था ना तो मौसम इतना साफ था ना सुबह, आज सुबह
सात से आठ के बीच में धूप लगी और तो मैं उस टाइम सोच रहा था कि छुट्टी कर लूं, जैसे मैं अंदर गया मतलब उस टाइम मैडम रोटी बना रही, तो मैंने इसको पूछा क्या करें, तो इसने बोला रहने देते हैं। तो जैसे मैं बाहर निकला यार, मतलब मौसम इतना खराब हो चुका था ना, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरे घर से मतलब पहाड़ बिल्कुल सामने दिखते, तो मतलब एकदम से यार धुंध ही धुंध आ गई। तो मैंने हमने कैंसिल ही कर दिया, मैंने सोचा चला जाता हूँ यार मैंने ऑफिस, तो मैंने ठीक भी किया, मतलब चले भी गए ऑफिस, और ऑफिस में तो जाके भाई यार ऑफिस में जाके आ जाओ, सच में यार सरप्राइज था मेरे लिए। और फर्स्ट टाइम मैंने केक भी ऐसा देखा भी, सच में पहली बार ही था ऐसा केक, और काटा भी मैंने पहली बार ही ऐसा केक, है ना, नॉर्मल केक तो वैसे काट लेते हैं। बाकी थैंक यू इतना सरप्राइज देने के लिए, सबके लिए एक बार फिर से थैंक यू, और इतना स्पेशल बर्थडे बनाने के लिए स्पेशली थैंक्स दिनेश सर जी हमारे, और ज्योति जी जिन्होंने सब कुछ ये जुगाड़ किया था, सरप्राइज दिया था इतना बड़ा, है ना। बाकी आपने देख ही लिया होगा पीछे, और एक केक हमने आपने देखा अभी काटा था थोड़ी देर पहले, वो मैं लाया था, क्योंकि यार जब मैंने सुबह इसको बोला उठ के कि ऋत्विक मेरे को हैप्पी बर्थडे बोलो मेरा बर्थडे है, तो इसने बोला हैप्पी बर्थडे तो कर दिया था, इसने बोला था हैप्पी बर्थडे, तो मैं नहीं बोला, मैंने बोला पापा को बर्थडे विश करो, नहीं मेरा बर्थडे है मम्मा, मेरा बर्थडे है पापा का नहीं। जब ये उठा था ना तो मैंने पूछा था इसको, तब इसने बोला मेरे को हैप्पी बर्थडे तो बोला था, पर फिर मैंने इसको, हाँ जी, पर मैंने इसको बोला उस टाइम मैं तो ऊ करूंगा, हाँ हैप्पी बर्थडे किसका है, तो ये बोल रहा था कि हनी का, ऋत्विक का हैप्पी बर्थडे है, तो आज दिन में भी एक दो बार कॉल की थी, तो उसमें बोल रहा था कि मैंने केक काटना है पापू जी, मैंने केक काटना है, तो जो ये केक काटा है अभी, मैंने मेरा भी प्लान नहीं था कि दोबारा केक काटूँ, या आज तो मेरा प्लान था ही नहीं कि केक वगैरह काटना भी है, तो इसीलिए मतलब मैं इसके लिए जो वो केक लेके आ गया, तो इसने ही काटा, अभी आपने देखा था वो केक जो बर्थडे था इसका ही मनाया हमने, नाम भी ऋत्विक का लिखाया था, है ना। बाकी केक कैसे लगा था तेरे को आज जो ऑफिस में काटा था सरप्राइज, मुझे तो फोटो भेजी है उसी टाइम, बहुत बढ़िया बढ़िया था ना, बहुत अच्छा। तो बाकी अब इस बार हनी का जो बर्थडे आएगा तब अगली बार ऐसा केक मैं लेके आऊंगा, है ना, कुछ ऐसा ही अलग डिजाइन वाला, तो बढ़िया था। तो बाकी थैंक यू वंस अगेन स्पेशली स्पेशल डे बनाने के लिए, मेरा स्पेशल बर्थडे बनाने के लिए। बाकी मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय करो, गुड नाइट करो।